भारत माता की। क्यों भाई, कांकेर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 11 की 11 जितनी है या नहीं जितनी है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे राजा साहब किरण देव सिंह जी, भाई केदार कश्यप जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, अजय चंद्राकर जी, विक्रम उसेंडी जी, मोहन मंडावी जी, रजनीश सिंह जी, महेश कुमार जैन जी, यशवंत जैन जी, भूपेंद्र नाग जी, भरत मटियारा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी भाई भोजराज नाग जी के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ये पत्रकार जरा सेट कर बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए आप लोग, प्लीज बैठ जाइए, स्टैंड पर सेट कर दो फिर बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार, पीछे दिखाई पड़े, माताएं बहनें पीछे बैठी हैं। चलो पत्रकार भाइयों के लिए ताली बजाओ, सभी लोग बैठ गए हैं। आज कंक ऋषि की इस महान तपोभूमि पर माता दंतेश्वरी, मां योगमाया, कांकेश्वरी, मां बलमेश्वरी, मां महामाया, शीतला माता, बड़ा देव और बूढ़ा देव, सभी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जल, जंगल और जमीन के लिए शहीद होने वाले शहीद गेंद सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और हम सब ने अपने जीवन में ये 17 तारीख को एक अनुपम दृश्य देखा। 500 साल से टेंट में बैठे हुए रामलल्ला अपना जन्मदिन रामनवमी भव्य मंदिर में बनाए और वहां सूर्य तिलक का दृश्य हमने देखा। भाई और बहनों, जब से राम मंदिर टूटा तब से करोड़ों लोगों की इच्छा थी, कई लोग शहीद हो गए, कि रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान हो। मगर कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी जब उनको निमंत्रण भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का, अपनी वोट बैंक की लालच से
भगवान राम के दरबार में भी नहीं गए, नहीं गए। उनको जो करना है वो करने दो, हम नहीं डरते हैं। हमने न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदार धाम, बद्री धाम और अब सोमनाथ का मंदिर भी सोने का फिर से बन रहा है। भैयों, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया राहुल बाबा, 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप। मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? एक कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्या? जोर से हां ना बोलना भाई, बनाया? जोर से बोलो, बनाया? महतारी वंदन का पैसा भेजा? किसानों को पैसा भेजा? तेंदू पत्ता वालों को बोनस दिया? माताओं के घर में गैस का सिलेंडर दिया? गरीबों को घर दिया? गरीबों को शौचालय दिया? नल से जल दिया? किसान का 3100 रुपया में चावल धान खरीदा और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया क्या? तो राहुल बाबा, ये सब तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी, आप छत्तीसगढ़ आओ तब इस बात का हिसाब लेकर आना। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 5 लाख तक कोई भी मेरा आदिवासी भाई बहन बीमार पड़े इलाज के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा, ये मोदी का गारंटी। मैं आज कांकेर की भूमि पर से, कांकेर की भूमि पर से देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को कहने आया हूं, फॉर्म अभी से भर लेना, फॉर्म अभी से भर लेना। 4 मई को चुनाव के नतीजे आते ही, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य का खर्चा आपका बेटा नरेंद्र मोदी उठाने वाला है। भाई और बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं कि कश्मीर का छत्तीसगढ़ राजस्थान वालों से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, आपकी जो सोच हो, राहुल बाबा की जो सोच हो, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? एक अनोरस संतान की तरह 70 साल तक धारा 370 को एक कांग्रेस पार्टी संभाल कर रही, भारतीय जनता पार्टी के नेता
नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। इस देश से नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। भाई और बहनों, मैं देश का गृहमंत्री हूं, 5 साल तक ये महादेव ए ब्रांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे। 5 साल तक नक्सलों पे कोई कार्यवाही नहीं होती थी। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णु देव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृहमंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 123 लोग गिरफ्तार हुए, 250 लोग सरेंडर हुए और मोदी जी ने देश भर से नक्सलवाद को समाप्त किया है। आंध्र प्रदेश समाप्त, तेलंगाना समाप्त, बिहार समाप्त, झारखंड समाप्त, मध्य प्रदेश समाप्त और मैं कहकर जाता हूं 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए, छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे। जब तक नक्सलवाद है, मेरे आदिवासी भाई बहनों को तेंदुपत्ता के लिए खंड नहीं देनी पड़ती, आदिवासी भाइयों बहनों के घर में बिजली नहीं पहुंचती, स्कूल नहीं है, राशन की दुकान नहीं है। मैं आज बचे कुछ है जो है उनको भी कहता हूं, सरेंडर हो जाओ, आपको फिर से प्रस्तापित करेंगे, वरना लड़ाई का परिणाम तय है, इस दिश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों का हमेशा कल्याण किया। आदिवासी मंत्रालय कांग्रेस ने सालों तक नहीं बनाया था, छत्तीसगढ़ भी नहीं बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य भी बनाया और आदिवासी मंत्रालय भी बनाने का काम किया। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आजादी से अब तक कभी भी आदिवासी बेटा या बेटी इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना था। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू कर आदिवासियों का गौरव करने का काम किया। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति कल्याण दिन के रूप में बनाया। मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए से 10 आदिवासी संग्रहालय स्वतंत्र सेनानियों के बनाए और आदिवासियों का बजट भूपेश बघेल, कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, आपकी सरकार ने आदिवासी के लिए बजट 24,000 करोड़ रखा था, नरेंद्र भाई ने 1,24,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, यहां तेंदुपत्ता के लिए बोनस देने का काम किया, एकलव्य स्कूल बनाए, 1,00,000 छात्रों को हमने 1,00,000 छात्रों को हमने शिक्षा वृत्ति दी और कई सारे आदिवासी कल्याण के काम किए। भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से
सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है सर्वे को, कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। भाई और बहनों, ये लोग देश को एक नहीं रख सकते। भाई और बहनों, अभी आरजेडी का और कांग्रेस के बीच में रांची में इंडी अलायंस की ऐसी मीटिंग में छुट्टे हाथ से मारामारी होगी, कुर्सियां भांजी गई, लाठियां भांजी गई। अरे भाई, अभी तो सत्ता बड़ी दूर है, आपका नंबर नहीं लगने वाला है, नंबर नहीं लगने वाला है, और सत्ता के पहले ही लाठियां भांज रहे हो, देश को क्या एक रखोगे? आज मैं गर्व से कह सकता हूं, नॉर्थ ईस्ट हो, नक्सल एरिया हो, कश्मीर हो, मेरे नेता नरेंद्र मोदी ने देश को एकजुट कर अखंड बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, आप एक बार मोदी जी को तीसरी बार बना दो प्रधानमंत्री, ये देश को, अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। भाइयों और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने नक्सलवाद को समाप्त करने के साथ साथ, समाप्ति के कगार पर है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी ढेर सारा काम किया है। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मेरे आदिवासी भाइयों को, छत्तीसगढ़ के पिछड़े लोगों को, दलित सतनामी लोगों को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। भाइयों और बहनों, 10 साल में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भेजा और नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल में 77,000 के बनाम 3,20,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम। इसके अलावे 25,000 करोड़ सड़क निर्माण, 45,000 करोड़ रेलवे और 250 करोड़ एयरपोर्ट के लिए और 72,000 करोड़ दिया, ये जोड़ ले तो 4,00,000 करोड़ रुपया दिया। राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो, 10 साल में आपने सिर्फ 77,000 करोड़ दिया था, हमने 4,00,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी और दलित के उत्थान के लिए दिया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी दी है, अब माताएं बहने बैठी है, 5 किलो चावल प्रति माह मिलता है ना, जरा जोर से बोलो, मिलता है या नहीं मिलता है? हाथ ऊपर उठाओ, मिलता है या नहीं मिलता है? मोदी जी ने कहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर 2029 तक ये मुफ्त अनाज चालू रहेगा। भाइयों बहनों, चालू रहेगा। मोदी जी ने कहा है गैस के सिलेंडर मातारी बहनों को मिले है ना, मिले है या नहीं मिले है? अब भरने नहीं जाना पड़ेगा, पानी की तरह नल से गैस भी आपके घर में देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और भाइयों और बहनों, मैं कह कर जाता हूं,
आदिवासी भाई और बहनों को, जब तक नक्सलवाद है आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती, खाना नहीं पहुंच सकता, इलाज नहीं पहुंच सकता। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए, न करे तो आप चिंता मत करना, हम दो ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और विकास की गंगा प्रवाहित करने का काम करें। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 2037 में विकसित भारत की कल्पना रखी, विकसित भारत का नींव डालने के ये 5 साल है और विकसित भारत का सबसे बड़ा फायदा आदिवासी, दलित, किसान, युवा, गरीब और महिलाओं को होने वाला है। ये विकसित भारत की कल्पना आप सभी के कल्याण के लिए है। भाई और बहनों, मैं आज मेरे प्रत्याशी के लिए भी आगे आइए, प्रत्याशी जी के लिए भी कहना चाहता हूं, इनकी फोटो देखकर ही मुझे मालूम पड़ गया ये आदिवासियों के लिए जीने वाला आदमी है, आदिवासी का जमीन का। भाई और बहनों, मुझे बताओ, आपको लाट साहब जैसा प्रत्याशी चाहिए या आपके जैसा नाग जैसा प्रत्याशी चाहिए, बताइए मुझे, जरा जोर से बोलो। इनके नाम के सामने कमल निशान है, नाग जी के कमल निशान पर बटन दबाइए, ये आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी जग पहुंच जाएगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जग, मुझे बताओ इनको जिताओगे क्या? कांकेर वाले जोर से बोलो, हाथ उठाकर जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? छत्तीसगढ़ की 11 की 11 मोदी साहब की झोली में डालोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, माताएं भी उठाए, सभी लोग उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की।